Gender differences that uh, male and females they have different uh, roles, tasks, aptitude, liking, disliking. So they have differences in their uh, uh, roles and, assi and assignments and responsibilities. And uh, we cannot say that the males are more, uh, you know, hardworking, more intelligent, more talented because uh, intelligence uh, the, has different roots or different ways to get in. बिकॉज एवरीबॉडी टू सिस्टर्स आर नाट सिमिलर टू मे ब्रदर्स आर नॉट सिमिलर दे बिलोंग टू वन पेरेंट्स एंड बट दे बट दे डू नाट हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो इट इज़ नॉर्मल अब ये जब हम कॉन्सेप्ट जेंडर का भी ले कर आते हैं तो सोशली जो रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं मेल्स और फीमेल्स उस लिहाज से जेंडर के जो है डिफरेंसिस को स्टडी किया गया उसमें देखा गया कि बायोलॉजिकल थेरीज जो ये कहते हैं कि जेंडर डिफरेंसेज जो हैं बिहेवियर uh, में उनका डिफरेंस देखा गया हो या उनको रोल परफॉर्म करने में जो उनका डिफरेंस देखा गया है वो थ्रू उनके सेक्स हारमोन्स जो हैं उसकी वजह से होता है कि फीमेल्स के डिफरेंट सेक्स हारमोन्स हैं और मेल्स के डिफरेंट सेक्स हारमोन्स हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जो डिज़ायर्स और एन्जाइटी डिप्रेशन और किसी भी काम की के लिए जो विश है वो उस वजह से तरीके से होती है तो ये उनमें डिफ़्रेंस इस वजह से पाया जाता है बायोलॉजिकली और मेस्कुलन पीपल टेंट टू कम्युनिकेट अफ एक्शन बाई इंक्लूडिंग देयर फ्रेंड्स के जो मेस्कुलन फ़ीचर्स हैं वो जनरली अपने फ्रेंड्स को जब सोशलाइज करते हैं उनके साथ तो वो उनके साथ बायदा जो है बहुत ही हैप्पीली मिलना पसंद करते हैं और इस तरह से जैसे बाकायदा हक करते हैं और ग्रुप्स में बैठना और इन्जॉय करना ऊँची ऊँची उनकी आवाज़ों में हंसना ये हम मेल्स की एक समझते हैं कि ये उनका एक शो साइन शो होता है कि वो इस तरीके से अपनी सोशलाइजेशन को इंजॉय करती जबकि फीमेल्स उसकी नस्बत जो है सोसाइटी में देखा गया है कि वो बड़ी हल्की आवाज़ में और बड़े डिफ़रेंट तरीके से सोशलाइज करती हैं और इस तरह से मर्दों की तरह वो ओपनली जो है वो आ, ग्रुप्स में बैठना और इस तरह से ऊंची ऊंची हंसना या एक फ्रेंडशिप के अंदर जो है ओपन जेस्चर्स शो करना जो है वो पसंद नहीं करती तो ये जेंडर डिफरेंट होने की वजह से उनमें डिफरेंसेस हैं सोशलाइजेशन करने के लिए इसी तरह से Uh, जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन uh, करने के लिए भी मेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो फ़ेस टू फेस शोल्डर टू शोल्डर जो है वो जाके किसी ग्रुप का पार्ट बने जबकि फीमेल्स पसंद करती हैं कि वो घर में बैठ के सिर्फ टेलीफोनिकली ही किसी ग्रुप का पार्ट जो है वो बन जाएँ तो बेहतर है बजाय ये कि वो फ़ेस टू फेस जाके मिलें या शोल्डर टू शोल्डर चलें तो ये हमें ये देखना चाहिए कि ये जो जेंडर डिफरेंसेस हैं ये नॉर्मल जेंडर डिफरेंसेस हैं हमें इनको प्रमोट कैसे करना है कल्चरली हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये नहीं कि फ़ीमेल्स को आप घर में कहें कि आपने खाना भी आपको जो है वो बचा हुआ मिलेगा क्योंकि आपने कौन सा बाहर जाके सोसाइटी में मूव करना है और उसके बाद जो है आप लीडरशिप रोल पर भी नहीं आ सकती आपको जॉब्स जो हैं वो इस तरह की करनी चाहिए इस तरह की नहीं करनी चाहिए यानी ये आप कल्चरली जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं फीमेल्स को और मेल्स को आप दूसरे रोल्स के लिए इन्वायरमेंटली जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं तो Uh, उनकी पोटेंशियल में और उनकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो तो डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग रोल्स असाइन करने चाहिए लेकिन सोशली जो है जो नॉर्म्स एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी की तरफ से उनके साथ भी हम अपने जेंडर्स uh, जो हैं वो उनको डेवलप करते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में किस तरह से मूव करना है हमें उनको राइट लॉजिकल ऑप्शंस पे अपने uh, बच्चों को जो है वो डेवलप करना चाहिए रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो हैं और रॉन्ग कंसैप्शनस जो हैं उनके अंदर जेंडर से रिलेटेड वो उनमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए